अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन प्रदेश भर में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस बारे में सीएम साय ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, और यह भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहाँ राइस मिलर संगठन द्वारा 30 मीट्रिक टन सुगंधित चावल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है। आप सभी को मालूम है 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मना रहे हैं और हमारा सुशासन का संकल्प और हमारा आदर्श रामराज रहा है, और हम लोग का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, और ये भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहां से राइस मिलर्स एसोसिएशन के सौजन्य से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। हमारे सब्जी उत्पादक वो भी सब्जी भेजने वाले हैं, और 22 जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है।